मैं अपने लिए हेयर मास्क बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने मेथी पाउडर लिया है, मैंने ये ऑर्गेनिक मेथी पाउडर ऑनलाइन मंगाया है। अगर आप नहीं मंगा सकते हैं तो जो घर में हम सब्जी में मेथी यूज़ करते हैं ना, कड़ी चोकले में जो यूज़ करते हैं, वो मेथी दाना को आप रात भर भिगो दीजिए और उस पानी उस मेथी को आपको उसी पानी के साथ में ग्राइंड करना है। थोड़ा सा ही पानी डालना है जिसमें मेथी भीग जाए, और कर्ड ऐड करके इसको आपको हेयर पैक बना के अपने हेयर में अप्लाई करना है। मुझे किसी ने बताया था कि इससे आपके बाल सिल्की शाइनी हो जाएंगे, जो कि बहुत रफ हो गए हैं, और जो झड़ रहे हैं बाल वो भी बहुत कम हो जाएंगे। टाइम से पहले ग्रे हो रहे हैं वो भी काफ़ी हद तक रुक जाएगा। तो भैया मैंने सोचा कि चलो मैं भी ट्राई करती हूँ, फिर आपको बताऊँगी कि मुझे कितना फ़ायदा हुआ। और ये है लंच, मैंने आज सोयाबीन की बड़ी की सब्जी बनाई, ज़ीरा राइस, गर्म गर्म चपाती, एक मिठाई रख दिया, सैलेड है, दैट्स इट, ये हमारा लंच था। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। अभी इवनिंग के 6 o'clock हो रहा है और मैंने सोचा कि मैं पहले थोड़ी बहुत बातें कर लेती हूँ और बहुत दिन के बाद ये व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि इसको मुझे एंड करना है। ठीक है, तो आज अभी नवंबर मंथ स्टार्ट हो गया है, आज की डेट आपको क्लियर कर देती हूँ, इससे आपको पता लगे कि मैं कब व्लॉगिंग कर रही हूँ। आज की डेट हो चुकी है 1 तारीख, हाँ 1 नवंबर है आज, और आज मंगलवार है। तो मैं इवनिंग की चाय ले रही हूँ, चाय थोड़ी सी ही है, ज़्यादा नहीं है। उसके साथ में थोड़ी सी मठरी ले रही हूँ मैं, और पता है मैंने अपने यहाँ का नाश्ता अभी तक ठीक से किया ही नहीं है, ख़त्म होने पर भी आ गया तो सोचा कि चलो थोड़ी सी मैं मठरी खाती हूँ। चाय के साथ मुझे बहुत पसंद है ये, मैं सूजी की बनाती हूँ अजवाइन डाल के। तो बहुत सारे डाउट हैं लोगों को, उनको मैं क्लियर कर देती हूँ। व्लॉग मेरे नहीं आ रहे हैं, दिवाली से कंटिन्यू नहीं आ रहे हैं, और दिवाली के व्लॉग्स भी बहुत ज़्यादा लेट गए थे। कुछ लोगों ने तो वहाँ पे मतलब बहुत ही अलग कमेंट किए हैं कि 1 वीक के बाद तुम अपना दिवाली व्लॉग शेयर कर रही हो। 1 वीक तो नहीं हुआ था दिवाली को, लेकिन उनका कहना था, और इतना लेट शेयर करोगी तो कोई नहीं देखेगा, अब तुम्हारी वीडियो का कोई मतलब नहीं है, और अब क्यों तुम ये दिवाली व्लॉग शेयर कर रही हो, अब तो नेक्स्ट ईयर शेयर करना, मतलब इस तरह के कमेंट आ रहे थे। तो देखिए, दिवाली कैसा फेस्टिवल है जिसकी तैयारियों में हम महीनों से जुट जाते हैं और बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, फिर भी मैं व्लॉग आपको टाइम टू टाइम देती हूँ, हमेशा ही देती हूँ। थोड़ा बहुत लेट हो जाता है, लेकिन जब बहुत लेट होता है ना तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। दिवाली वाले दिन तक मैंने वीडियो शूट तो किया था, व्लॉग शूट किया था दिवाली वाले दिन तक, बट शेयर नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं दिवाली के दूसरे दिन ग्रहण लगा हुआ था, आपको पता ही है, 25 तारीख को, और 26 को मैं यहाँ से चली गई थी, मॉर्निंग में मैं अपने घर चली गई थी। जो कि आप छोटी छोटी क्लिप मैंने शूट की हैं वो आपको दिखाऊंगी, नहीं तो आप लोग बोलोगे झूठ बोल रही है भाई, इसलिए छोटी छोटी क्लिप ही शूट की है, प्रॉपर व्लॉग नहीं बनाया, ना ही मैंने भाई दूज का बनाया, ना ही मैंने गोवर्धन पूजा का बनाया प्रॉपर, ना ही मैंने आने आने वाले दोनों के बनाए हैं, मतलब दिवाली से लेके आज तक की जो छोटी मोटी क्लिप हैं वो आप लोग इंजॉय कर लीजिएगा। और आज मैंने हेयर पैक बनाया था, आपको दिखाया भी था, क्योंकि मेरा हेयर फॉल हो रहा है, उसका रीज़न टेंशन है और बहुत सारी चीज़ें हो सकती है यार, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है मेरा। तो मैं सोच रही हूँ कि अब कुछ कुछ अपनी केयर करूँ, थोड़ा बालों की करूँ, इसी की वजह से मैंने हेयर कट लिया था कि चलो मेरे थोड़ा हेयर फॉल रुक जाएंगे, क्योंकि एक बार मैंने और लिया था 2021 में, तब मेरा थोड़ा सा ठीक हो गया था और मेरे हेयर भी थोड़े से बाउंसी हो गए थे, बट अभी तो बहुत ही कम हो गए हैं यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि बाल बचेंगे मेरे कि नहीं बचेंगे, आवाज़ देख सकते हैं आप। क्योंकि ब्लॉग इसलिए नहीं आ रहे थे, मैं मेरा बिल्कुल ही मन नहीं था कहीं भी शूट करने का, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए कि मुझे भी याद रहे कि कौन सा दिन था, कौन सा क्या था, कब से मैंने वीडियो नहीं बनाया, उसके लिए मैंने छोटी छोटी क्लिप शूट की हैं। कल ही मैं डबरा से आई हूँ, नाइट में 10:30 बजे आई हूँ, और फिर दिवाली से लेकर अभी तक मैंने ठीक से घर को देखा भी नहीं था, क्लीनिंग भी नहीं की थी, तो फिर मॉर्निंग में मैं दिन भर लगी रही, अच्छे से घर को साफ सुथरा फिर से किया, क्योंकि जो हल्की फुल्की डस्ट होती है ना वो तो डेली ही आती है,
तो वो सब कुछ और सामान इधर उधर हो गया था, ये घर पे थे, इनका भी आना जाना लगा था, तो इस वजह से फिर मैंने अच्छे से क्लीनिंग की, अच्छे से आज लंच बनाया, क्योंकि प्रॉपर लंच ही नहीं बनाता, ये घर पे थे, इनका भी खाना पीना ऐसा ही हो रहा था, तो फिर मैंने आज सोयाबीन बड़ी की सब्जी बनाई, गर्मा गर्म रोटी, सैलेड, स्वीट्स में तो बहुत कुछ रखा है, अभी गुलाब जामुन रखे हैं, मिठाई रखी है, बहुत कुछ रखा है। मेरी आवाज इसलिए बैठ जाती है जब कभी मैं लाउडली आवाज में, मतलब लाउडली मैं बातें कर लेती हूँ ना, तो मेरी आवाज डाउन हो जाती है। तो इन दोनों में यही कुछ हुआ है मेरे साथ, छुपाऊंगी नहीं, बस आप लोग उस ब्लॉग को एंजॉय कीजिए और कुछ कमेंट, चलिए इसको छोड़िए। तो इस तरीके के कमेंट आ रहे थे, बहुत लोग बोल रहे थे दीदी आपके ब्लॉग प्रॉपर क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, तो मैं भी चाहती थी कि यार कि कुछ दिन के लिए मैं रेस्ट ले लूं, एक मन कर रहा था ले लूं, एक मन कर रहा था नहीं लूं, इसलिए मैंने कमेंट भी पोस्ट नहीं की थी कि अभी कोई व्लॉग नहीं आएंगे, व्लॉग मैं बना भी सकती थी और नहीं भी बना रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि यार ये छोड़ो ना, मैं अभी दो तीन दिन बिल्कुल स्टॉप रखती हूँ। और अब पता है जब इस तरीके का गैप हो जाता है ना व्लॉग में, तो फिर वो लिंक टूट जाती है व्लॉग बनाने की, डेली व्लॉग्स बनाने की, अब मन नहीं कर रहा कैमरे को उठाने का। एक और आपको बताती हूँ बात, मेरे साथ क्या हुआ, मेरी कीमती चीज खो गई थी। दिवाली वाले दिन हम लोगों ने पटाखे चलाए थे ऊपर छत पे, तो मैं, मेरे हाथ में मेरा फोन था, कुछ पटाखे थे, दीपक माचिस वगैरह ये सब लेके आई थी, मैंने इनको बोला कि आप गेट बंद करके आना ऊपर से, और ये मेरा ट्राईपॉड ले आना। भाई साहब ये मेरा ट्राईपॉड ऊपर ही छोड़ा है, ठीक है। अब वो अब नेक्स्ट डे सूर्य ग्रहण था, हम लोग बाहर निकले ही नहीं। उसके बाद फिर मैं अपने घर चली गई थी, तो मैंने भाई दूज वगैरह पे मैं अपने मायके में ही थी, तो ये ट्राईपॉड आज तक ऊपर छत पर ही पड़ा था, दिवाली वाली रात से लेकर के आज तक ऊपर वाली छत पे पड़ा था, 1 तारीख तक 24 तारीख से। भाई साहब मैंने आज ट्राईपॉड थोड़ा सा हेयर पैक बना रही थी, तो मुझे अपना फोन जो ट्राईपॉड पे सेट करना था, तो मैंने कहा कि यार मेरा ट्राईपॉड कहाँ गया, मुझे मिल ही नहीं रहा, मैंने पूरा घर देख लिया कि कोना, क्योंकि कभी कभी ना मेरी आंखें मेरे साथ धोखा दे देती है, पता है चीजें सामने होती है मुझे दिखती नहीं है। मैं तीन तीन चार चार बार हर एक रूम में गई हूँ और मैंने कोना कोना देखा, यहाँ तक कि मैंने बालकनी भी देखी, सब कुछ देखा, मुझे ट्राईपॉड नहीं मिला। मेरे को घबराहट हो गई कि यार मेरा ट्राईपॉड कहाँ गया, कौन चुरा ले गया। मैंने इनको बोला कि यार क्यों, हम लास्ट टाइम पे ऊपर लेके गए थे, ऊपर से लेके आए, ये बोले हाँ मैं लेके आया था, लेके आया था। फिर मैं ऊपर गई एक बार, मैंने बोला कि नहीं मैं चेक करके आती हूँ, ऊपर गई तो मेरा ट्राईपॉड ऊपर ही रखा था, पूरा डस्ट से गंदा हो गया था, धूप में रखा हुआ था, सोचो। इसलिए इन पे मैं विश्वास नहीं करती हूँ कभी बाहर जाती हूँ ना, कि मतलब मैं इसलिए इनको बार बार कॉल करके बोलती हूँ हर एक चीज की, मतलब सिलेंडर ऑफ कर देना, ये वो गेट बंद कर लेना, लाइट बंद कर देना, क्योंकि इनको याद नहीं रहता है, लापरवाही। तो मेरा ट्राईपॉड ऊपर ही डाला था, मेरे तो यार मतलब जान में जान आ गई कि हाँ चलो मेरा ट्राईपॉड मिल गया, ये हुआ। चलिए आप लोग व्लॉग को एंजॉय कीजिए और फिर मैं इस व्लॉग का एंड भी कर दूंगी वहीं पे, तो चलिए एंजॉय कीजिए, पसंद आए तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब, और आगे से मैं प्रॉपर व्लॉग बनाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो ये जो क्लिप है ये दिवाली वाली रात की है, मैंने किचन ऐसे नीट एंड क्लीन की थी, सारे बर्तन क्लीन किए थे, पड़ी हुई थी, शेयर नहीं कर पाई थी, तो सोचा शेयर कर देती हूँ। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो आज की डेट है 25 अक्टूबर, मतलब आज 25 तारीख है, और आज था सूर्य ग्रहण सुबह से, तो सुबह से तो कुछ भी नहीं किया मैंने, कल रात को 2 बजे से सूतक स्टार्ट हो गया था, तो 2 बजे मैंने भगवान जी के पट लगा दिए थे, ढक दिया था पूरी चौकी को, और फिर हमने छुआ भी नहीं था, सुबह भी हमने कुछ नहीं किया, सुबह आराम से बहुत सोए हैं, आराम से उठे थे, और कल तुलसी का पत्ता डाल के रख दिया था सभी, मतलब पूरे नाश्ता में, पूरे खाना में, तो हमने सुबह वही खाया। और अभी पूरे घर का झाड़ू पोछा किया, अच्छे से क्लीन किया है, यहाँ पे मैंने जल लिया है, उसमें गंगा जल डाला है, मतलब पानी लेके गंगा जल डाला है, तो अब मैं इसको पूरे घर में एक बार अच्छे से छिड़क दूंगी, तो घर जो है वो शुद्ध हो जाएगा। तो फिर मैं ये यहाँ पे आरती करेंगे, दीपक लगाएंगे पूरे घर में, और लाइट वगैरह ऑन कर दिए, तो चलो
करते हैं। मैं अभी जस्ट नहा के आई हूँ, हमने अभी नहाया है दोनों ने ही, और झाड़ू पोछा किया, पूरा घर का क्लीनिंग किया। सबसे पहले मंदिर से ही स्टार्ट कर लेते हैं छिड़कना जल को, भगवान को छिड़क देते हैं। तो आप सबने ग्रहण के टाइम पे कैसे क्या किया था मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जब भी चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होता है तो गंगा जल से घर को पवित्र करना होता है, अच्छे से क्लीनिंग करनी होती है, और हो सके तो ग्रहण, हाँ ग्रहण के टाइम पे खाना नहीं खाते हैं, ग्रहण से पहले ही सूतक टाइम में खाना खा लेना चाहिए, ऐसा सब लोग कहते हैं। तो ऐसा ही हम लोगों ने भी किया था। ग्रहण 3:30-4 बजे से स्टार्ट था और 5:30-6 बजे तक रहा होगा। उसके बाद फिर मैंने इवनिंग में घर में झाड़ू पोछा किया था, मॉर्निंग में नहीं किया था, ना ही मैंने नहाया था। बस ब्रश वगैरह करके हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया था, और जो रात का खाना था वो हम लोगों ने खा लिया था। तो बस यहाँ पे घर को पूरा पवित्र कर लेंगे, और फिर मैं यहाँ पे दीपक लगाऊंगी पूरे घर में, भगवान जी की आरती की, क्योंकि अभी 3-4 दिन त्यौहार चलते ही हैं 2 तक। वैसे आज पड़वा होनी चाहिए थी, मतलब गोवर्धन पूजा आज होनी चाहिए थी, लेकिन सूर्य ग्रहण की वजह से जो फेस्टिवल है वो आगे बढ़ गए थे। तो यहाँ पे मैं देखिए पूरे घर में दीपक रख दे रही हूँ, और ये वो दीपक है जो मैंने अपने हाथों से सजाए थे, आपको दिखाया भी था ना। तो यहाँ पे मैं तुलसा जी पे भी रख दूँगी, तुलसा जी की भी आरती कर दूँगी, और लाइट वगैरह ऑन कर दिए तो बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब सुबह से लग ही नहीं आता कि फेस्टिवल है, बस सोते रहे, आराम से उठे और आराम आराम से घर के सारे, मतलब ऐसे छोटे मोटे काम, उठा रखी वाले काम मैंने कर लिए थे। तो अब सूर्य ग्रहण से अगला दिन है ये, फ्रूट्स खा के हम लोग घर से निकले हुए हैं। तो ट्रेन से हम लोग जा रहे हैं, बाइक से स्टेशन तक आए थे ग्वालियर स्टेशन, फिर वहाँ पे हमने अपनी बाइक को पार्क किया, और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही जा रहे हैं क्योंकि हमें कहीं जाना है, और फिर मैं अपने मायके चली जाऊंगी, वहीं से ये वापस आ जाएंगे। तो देखिए मैं कितनी बार मायके गई हूँ इन दिनों में, जब जब आपको व्लॉग नहीं मिले वो आपको आगे देखने को मिलेगा, व्लॉग स्किप मत कीजिएगा। तो अपने काम से फ्री होने के बाद गोवर्धन वाले दिन ही मैं अपने पापा के घर चली गई थी, और वहीं पर मिलती हूँ आपसे। मुझे हैप्पी दिवाली, थैंक यू, हैप्पी दिवाली सबको बोलो पहले, फिर वो सैम्पी बोलेंगे हैप्पी दिवाली। हाँ अब सब लोग सैम्पी बोलेंगे ना, देखो मुझे की सारी जगमग जगमग हो रही, अच्छी लग रही है, मुझसे लाइट भी है और फेस्टिवल में भी अच्छी लग रही है। दूर मेरे से दूर, डर लग रहा है, क्यों डर लग रहा है, क्यों डर लग रहा है, ऐसे पकड़ो ना इसको अंदर थोड़े ना, कुछ नहीं होता, पलट गया वो, पलट गया शर्ट खुली है, शर्ट खुली है मेरी, हर कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कैसे दिक्कत नहीं है। तो ये है भाई दूज वाला दिन, हमने नाश्ते में पास्ता खाया था क्योंकि बच्चे भी थे, बच्चों को पास्ता खाना था तो हम सब लोग खा रहे थे, ये दिवाली का नाश्ता है। और फिर आगे मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, तो बहुत एंजॉय किया था दूज वाले दिन भी हमने। तो भाई दूज वाले दिन मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था क्योंकि भाभी के भैया वगैरह सब लोग आए हुए थे, और अभी ये नेक्स्ट डे फिर से हो गया है, तो दोपहर का टाइम है, मैं यहाँ पे लंच में इडली सांभर बना रही हूँ क्योंकि बच्चे थे साथ में, नानू को रोक लिया था मैंने, राम को रोक लिया था, तो छोटी वाली भाभी वगैरह सब लोग हैं तो उनको इडली सांभर खाना था, तो फिर मैंने अपने हाथों से बना के खिलाया सबको, और सांभर बहुत ही टेस्टी बना था। यहाँ पे इडली बैटर में रेडी कर रही हूँ और इसको मैं लगा दूँगी, फिर हम लोग इडली सांभर खाएंगे। तो हमने लंच में यही खाया था, और इवनिंग में मैं अपने घर चली गई थी इनके साथ, तो वो शायद आपको नहीं दिखाया था मैंने। तो यहाँ पे देखिए पहले हमारा लंच देख लीजिए, यहाँ पे इडली सांभर, नानू बैठी है, मौसी चली गई थी नानू को मेरे पास छोड़ने के लिए, बढ़िया, और यहाँ पे हम चारों लोग बैठ के इंजॉय कर रहे हैं। फिर मैं अपने घर आ गई थी, घर आने के बाद नेक्स्ट डे फिर मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, उसका भी नेक्स्ट डे है ये, तो मतलब संडे का दिन है ये, संडे को मैं तैयार होकर फिर से डबरा निकल रही हूँ। अभी हम लोग फिर से बाइक से जा रहे हैं, और पता है क्या हुआ, हम लोग गए ट्रेन से हैं, मतलब मैं अकेले गई ट्रेन से हूँ, आई इनके साथ कार से हूँ, और क्योंकि इनको जब जब काम था ये आ रहे थे तो मैं इनको बोल रही थी कि मुझे भी लेके चलना। तो ये है ग्वालियर का स्टेशन, बस आपको मैं ऐसे ही थोड़ा थोड़ा बता सकती हूँ क्योंकि प्रॉपर व्लॉग नहीं बनाया था मैंने। रात को मैं आ गई थी जिस दिन मैंने इडली सांभर बनाया था। संडे को हम लोग फिर से डबरा के लिए निकल रहे हैं क्योंकि अभी गोवर्धन से अन्नकूट स्टार्ट हो जाते हैं, हर मंदिर में अन्नकूट मतलब होता है, अन्नकूट का मतलब जो रामबाजा सब्जी वगैरह होती है ना
वो प्रसाद बहुत ही टेस्टी लगता है और मैंने बहुत दिन से भी नहीं खाया था और मुझे मतलब स्पेशली बुलाया गया था, तो फिर इसलिए हम दोनों लोग जा रहे हैं डबला। और चलिए यहाँ पे बाइक इन्होंने पार्क कर दी है, अब हम लोग अपनी ट्रेन में जाएंगे। जो बरौनी ट्रेन से हम लोग गए थे वो यहीं से बनती है, काफ़ी स्पेसियस है, मतलब ज़्यादा भरी हुई नहीं होती, तो बहुत आराम से हम लोग पहुँच जाते हैं। तो अभी हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं, ग्वालियर को बाय बाय करते हैं। और ये सेकंड टाइम मैं जा रही हूँ अपने मायके डबरा, अभी मम्मी के घर गई थी और यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा ऐसे खड़ी हुई थी, सोचा कि चलो एक रील बना लेते हैं, बट मेरा इंस्टाग्राम मतलब काम ही नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों नेटवर्क नहीं आ रहे थे, क्या प्रॉब्लम थी। फिर मैंने कैमरे से थोड़ा सा व्लॉग ही शूट कर लिया था। और अभी हम लोग आ चुके हैं डबरा स्टेशन, ये देखिए डबरा का स्टेशन है ये, और हम लोग उतरेंगे फिर हम लोग जाएंगे जहाँ पे हमको जाना है, एक मंदिर पे। आपको देखने में बहुत छोटा मंदिर लगेगा, मंदिर छोटा बड़ा नहीं होता है, महिमा होती है वहाँ की। और हनुमान जी के मंदिर पे अन्नकूट है, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे अन्नकूट खाना, पहले बहुत खाया करते थे शादी से पहले, मम्मी वगैरह के साथ जाते थे ना। तो देखिए आज मैं साड़ी पहन के आई हूँ, पिंक कलर की मैंने साड़ी पहन रखी है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ से टमटम ले लिया था, ई रिक्शा जिसको बोलते हैं, सब लोग टमटम बोलते हैं तो हमें भी फिर टमटम ही बोलना आता है, इसको ई रिक्शा बोलते हैं। तो यहाँ से हमने ई रिक्शा लिया बाहर से और फिर हम जाएंगे मंदिर। फिर मैंने मौसी को फ़ोन कर दिया था, बाबू हेलो, आपका नाम। मैं ऐसा मुंह इसलिए बना रही हूँ क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा धूल है ना कि आँखों में मुंह में सब जगह जा रही थी और बहुत गंदी वाली धूल थी। तो यहाँ से मैंने बाबू को ले लिया, मौसी को फ़ोन कर दिया था रास्ते से ही, तो मौसी नानू को लेके चली गई एक जगह और मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ पर मैं बाबू को लेके जा रही हूँ, मैंने पूछ लिया था, तो बाबू रेडी थे मेरे साथ जाने के लिए, तो इसलिए फिर मैं उसको लेके, और क्योंकि मौसी के घर के सामने से ही हमें निकलना था इसलिए मैंने बाबू को ले लिया। ये बालाजी मंदिर है, ये भी बहुत फेमस है यहाँ पे। तो ये देखिए ये है अन्नकूट का प्रसाद, कढ़ी चावल, राम भाजा पूरी और इसके साथ में दाल भी थी। तो सब लोग देखिए सब लोग बैठ के ऐसे खाते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है, हम लोगों ने छांव देख के बैठ गए थे। अन्नकूट खा रहे हैं, ये हमारा अन्नकूट, मैचिंग मैचिंग हो रहा है। मैं भी पिंक पहन रही हूँ। चलो पहले खाते हैं फिर मिलते हैं, ठीक है। तो आप सब लोगों ने भी दर्शन कर लिए ना, तो हनुमान जी के मंदिर हम लोग आए हुए थे, दर्शन किए, प्रसाद ही लिए और फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो वैसे तो यहाँ से ई रिक्शा वगैरह मिलते नहीं हैं, बट आज अन्नकूट की वजह से यहाँ पे अच्छे से मिल रहे थे। तो बस हम लोग अभी निकल रहे हैं और मुझे जहाँ जाना था मैं वहाँ पर रुकी हुई थी, बाबू को मैंने छोड़ दिया था और अभी ये मुझे लेने के लिए आ गए हैं। नेक्स्ट डे हो गया अन्नकूट का, ये नेक्स्ट डे मैं वापस आ रही हूँ, और मंडे को मैं वापस आ रही हूँ। ये आए थे कार से तो मैंने इनको फ़ोन कर दिया था कि अगर आप आ रहे हो तो मुझे भी लेते हुए चलना। तो अब मैं जा रही हूँ ग्वालियर। तो ये था छोटा मोटा सा ब्लॉग, आई रियली होप आप सभी को पसंद आया होगा, पूरा अपडेट मैंने दे दिया है। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे आपको कोशिश करूँगी बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।